आश्रम में सोमनदास जी का जन्मदिन था तो वे मना रहे थे। तो 10-15 लड़के राजपूत के आए तो उन्होंने कुछ छेड़खानी करी, कुछ उन्हें समझाया, हमने मका ऐसे नहीं करा करते, समाज का काम है। तो वे मानने नहीं, बदतमी से बहुत बोलने लगे। हमने 100 नंबर पर फ़ोन कर दिया, पुलिस आ गई रात को जब भी, तो फिर वे चले गए। तो उनकी पलान बन गई, इन्होंने पुलिस बुलाई ना सुबह टेम पिटेंगे। तो एक लड़का प्रकाश नाम का था, ये लाइटिंग होने जा रहा था तो देख ले वहाँ जा रहा, तो उस पर इसका तो लट बजा उन्होंने बहुत ज़्यादा। फिर उसका पापा गया, पता लगते ना वो पीट दिया तो उसे पूरा तकड़ा पीटा। हम तो भी घर नहीं आते, मैं भी उधर से आ रहा था, मेरे भी ऐसे ही धड़ धड़ बजाने लगे। फिर कैसे हमारे आदमी आए उधर से जंग गोरे में, तो फिर इधर को घूम के वे मोहल्ले में आके और त्यार तो पर बजा दिया। एक बाबा साहब की तस्वीर थी वे भी तोड़ गए। वे आप लोग क्या इस पर आगे लड़ना चाहते हैं, केस वगैरह करना चाहते हैं? हाँ जी, ना आगे लड़े तो ये फिर हमें मारेंगे दोबारा। पर हमला हुआ था? हाँ, बस जैसे माँ पीछे से तो मेरे ऊपर हमला किया एकदम। किसने किया था? गांव के राजपूत के लड़कों ने एकदम हमला करा। बस मैं एकदम लग तो ही गिर गया, बस मुझे पता ही नहीं। फिर गाड़ी ले गई मुझे यहाँ से, कौन सी गाड़ी ले गई। मैं लड़कों का काम करता हूँ, तो मैं उनका एक महीना पहले लड़का ठीक कर रहा था, तो वो एक महीने के बाद उनका फिर ख़राब हो गया। तो मैंने उसे खोला तो मजदूरी मांगा, भाई मैं 300 रुपये लेंगे। तो उनने ठीक करवा कर लड़का मुझे दिए थे 140 रुपये। तो जब वो हट के ख़राब हो गया तो मुझे कहने लगा, भाई इन्हीं पैसों में तुझे ठीक करना पड़ेगा इन लड़का। मैंने कहा, मैं भाई मैं नहीं करता हूँ उसे ठीक, मगर जब मुझे पूरी मजदूरी मिली तो क्या कहें, मजदूरी मिली नहीं जब मगर और किसी मिस्त्री को देख लो तब, मैं तो जाता नहीं। तो फिर उसने कहा, अब क्या कहें, तो जो है ना अड्डे पर आइए, तुझे अड्डे पर देख लेना। तो मैंने कहा, मैं कहा चल देख लिया अड्डे पर ही। तो फिर उसके बाद उसने अपने लड़कों को ला, वो 15-20 लड़कों को मोटरसाइकिल पर। तो फिर उन्होंने हमारे घर पर आकर पूरी मारपीट करी। मारपीट करने पर उन्होंने मेरी माँ के भी कपड़े फाड़े और क्या कहें मेरी घरवाली के भी। अब पूरे घर में ईंटा पत्थर पूरे बजाए उन्होंने। उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव में आपको पता कोई भी बढ़ नहीं सकता, ये पथराव इतना दिमाग है नहीं हमारे, जो हम है ना तले ही पिट गए थे इतना। तो तुम्हें चोट क्या आई? मेरे जी कंधे पे आई। अस्पताल में भी थे? हाँ जी, पत्थर रोड़े बहुत ज़्यादा बरसाए तो जाक तो के सिर में लग गए, सिर में भी लग गए मेरे, यहाँ लग गया आकर मन चे गिर गई। ये भी एडमिट थी? हाँ, तो कभी आई ना देख, ये हाथ में सूज है सारा। आप भी अस्पताल में थे? हाँ, ये अभी मेरी साथ ही थी, इसके भी चोट लग गई थी। कहीं मेरे लग रही है, कहाँ पर लग रही है, लग रही है यहाँ से। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ जैसे कह रहे थे कि पहले भी ठाकुरों के साथ? हाँ जी, कई दफ़ा होगी। ये अप्रैल में मेरे साथ में हुई थी, और हमारे वहाँ से हमारी ज़मीन है, हमने अपनी ज़मीन के बराबर में कुरुड़ी डाल रखी थी, एक ठाकुर की ज़मीन है हमारी बराबर में ही, तो वो कुरुड़ी हमने हटा ली थी वहाँ से। तो उन्होंने उसका लड़का आया, कहने लगे वो कुरुड़ी हटाओ वहाँ से, और नहीं तो बहन चोदे तुम्हें गेट लो मार देंगे, जानते ये कर देंगे वो कर देंगे, और नहीं हटाओगे तो हम बंदूक की नोक पे और तलवार की धार पर हटवा देंगे इसको। तो हमने कहा भाई वहाँ तो कुरुड़ी थी ही नहीं भाई, हमने तो हटा ली अपनी कुरुड़ी। और उसे हटाने के बाद में वो कहने लगा चल वहाँ देख, उसने मेरी गिल्लो हाथ तपाई करी, मेरा हाथ भी तोड़ दिया था ये यहाँ से। अच्छा जी, ये कितनी पुरानी बात है?
जिस दिन इन्होंने क्या नाम मुख्यमंत्री की शपथ ली थी योगी आदित्यनाथ जी ने, उसी दिन ये कहा था कि अब सरकार हमारी आ गई, अब तो तुम क्या नाम जो बेंचो तो गिर लो सीधे कर देंगे। जब से ये सरकार आई, खासकर यूपी की सरकार आई, एससी पे हो रहा है अत्याचार। क्यों हो रहा है? कोई सुनवाई है ही नहीं, कहीं चले जाओ बताओ। इन ये बैठी हमारी माता जी, इनके बच्चों की स्त्रो पिटा, घर में घुस कर मारा उनको। ये तो लड़के 5-7 जब गए उनके साथ, नहीं तो वहाँ जाने कोई वो ही नहीं था। अगर ना जाते तो शायद उनको नमटा देते, वहीं मार देते ना। आग लगाने की तैयारी मत है। पेट्रोल तलवारा लेकर आए थे, तलवारे पेट्रोल लेकर 20 लड़कों बुला के बाहर से। तब से योगी और मोदी की जो सरकार आई है, हमारे समाज के ऊपर इन लोगों ने इतने अत्याचार शुरू कर दिए। तब की समाजवादी और बसपा की जो सरकार रही है, उनमें इतना अत्याचार नहीं हुआ है। और इन लोगों ने जब से सरकार बनी है, ऊपर मोदी नीचे योगी, ये लोग नारा लगाते हैं। और इन लोगों का जो भी विरोध करता है, ये उन लोगों को ये हर टाइम मारने का प्रयास रखते हैं। और ये लोग हमारे जो लोग हैं वो इतने सही हैं कि वो कभी भी लड़ाई की तरफ नहीं झुकना चाहते हैं, ना ही वो कभी लड़ाई के लिए जाते, ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वो थाना कचहरी में जो खर्च कर लें। अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। आज के टाइम में जब से मोदी सरकार ने नोटबंदी की है, तब से हमारे समाज में इतनी पैसे की कमी आई है कि मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। जिस तरह सबरी पर में हुआ ना, इस तरह सोच रहे हैं यहाँ करना है। हाँ, अभी तो पुलिस पड़ी है, जब पुलिस चले जाएगी तो मट्टी देंगे, आग लगा देंगे पेट्रोल की। अपनों डर लग रहा है जी, हमारे बच्चे सुरक्षित रहने चाहिए बस, हमारे आदमी बच्चे। ये लड़ाई तो डर नहीं है, हमें डर लगा लड़ाई का। कुछ दिक्कत आवेगी वजह से आवेगी, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे बच्चों को या आदमी को कोई परेशानी होगी तो इन्हीं की वजह से होगी। स्कूल जाते हैं, लड़ाई चाहते हैं ना हमारे बच्चे, चाहो स्कूल जाते हैं, वहां चढ़ाते हैं, करते हैं, नका ये कर देंगे, वो कर देंगे, चमारो के लड़कों को तो ये मार देंगे, वो कर देंगे। अगर एक आदमी ने अपने यहाँ से काम करवाया है तो उसकी मजदूरी तो देनी चाहिए, पर इन्होंने मजदूरी मांगने पर उस लड़के को इस तरह से पीट दिया और पूरे परिवार को पीट दिया उसके घर में जाकर। Thank you.